हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीमीटर को रिपेयर करके देखेंगे और जानेंगे मल्टीमीटर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उन फॉल्ट्स को कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं इस मल्टीमीटर में क्या फॉल्ट है। तो देखिए दोस्तों, ये मल्टीमीटर इस पे डिस्प्ले दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो नहीं दिखाता है। ये बज़र की रेंज पे हमने मल्टीमीटर को रख दिया है और दोनों प्रॉब आपस में शॉर्ट करने पर बज़र नहीं बजता है। और किसी भी रेंज पे हम इसको टेस्टिंग करते हैं, जैसे एसी 600 वोल्ट की रेंज पे हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है। एसी डीसी किसी भी रेंज में यहाँ पे वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो इस फॉल्ट को हमें रिपेयर करना है। आखिर ये फॉल्ट किस चीज़ का है, इसको पहले हमें ढूंढना है और उसके बाद इसको रिपेयर करना है। तो ये देखिए, मैं एक डीसी वोल्ट भी चेक करके देखता हूँ। 1.5 वोल्ट का ये बैटरी है, इसको हम 2 वोल्ट की रेंज पर लगा के देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई भी रीडिंग किसी भी रेंज पे नहीं दिखा रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, ये फॉल्ट किस चीज़ का है, इसको कैसे पहचानेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस तरह के फॉल्ट आने पर सबसे पहले आपको अपने डिजिटल मल्टीमीटर की दोनों प्रॉप को टेस्ट कर लेना है, चेक कर लेना है कि ये प्रॉप कहीं से टूटी तो नहीं है, इसमें कंटिन्यूटी सही आ रहा है कि नहीं, ये वायर आपका सही है कि नहीं, इसको आपको चेक कर लेना है। अक्सर दोस्तों यहाँ से ये प्रॉब इसका टूट जाता है, अंदर से इसकी वायरिंग ख़राब हो जाती है, तो उसको आप चेक कर लें किसी दूसरे मल्टीमीटर से। ये हमने चेक करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ये ठीक है, मल्टीमीटर का जो प्रॉब वो ठीक है। तो हम इस मल्टीमीटर को खोलेंगे, इसके सारे स्क्रूज़ हम बाहर निकाल देंगे, उसके बाद इसको खोल के देखेंगे इसके अंदर में क्या फॉल्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और इस तरह के फॉल्ट में बैटरी का फॉल्ट नहीं होता है, फिर भी आप बैटरी को एक बार बदल के भी देख सकते हैं। अक्सर दोस्तों यहाँ पे बैटरी के फॉल्ट होने पर डिस्प्ले आपका कटा फटा आएगा, बैटरी का फॉल्ट नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने मल्टीमीटर को खोल दिया है और यहाँ पर 9 वोल्ट DC का बैटरी लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये मल्टीमीटर चलता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बज़र है और इसका चिप IC लगा हुआ है, ये इसका बज़र स्पीकर है। जो भी कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं वो इसमें बजता है। तो हमने इसका बैटरी रिप्लेस करके भी देख लिया है, ये बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हमें बाहर निकालना है, इसका जो सर्किट बोर्ड है, PCB है, इसको बाहर निकाल के हमें अंदर से चेक करना है कहीं यहाँ पे रोटरी स्विच में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो इसमें दोस्तों रोटरी स्विच में भी फॉल्ट आते हैं, तो चलिए हम देखते हैं इसमें रोटरी स्विच में क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं। ये इसका PCB अलग हो गया दोस्तों, और ये वाला हिस्सा इसका डिस्प्ले का है और ये है रोटरी स्विच का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये रोटरी स्विच को हम घुमाने पर ये पॉइंट्स आपस में शॉर्ट होते हैं, तब ये कंटिन्यूटी काम करता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो जहाँ पे हम प्रॉब लगाते हैं वहाँ का ये पिन टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का गोल पिन रहता है, इसके अंदर ये प्रॉब जाके फिट होता है, इसीलिए दोस्तों ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा था, क्योंकि ये पिन टूटा हुआ है और इसके साथ प्रॉप का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो कोई भी रेंज पे कंटिन्यूटी या कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, टूट के यहीं पे अंदर में ही गिरा हुआ है। तो हम इसको सोल्डर कर सकते हैं या किसी पुराने डिजिटल मल्टीमीटर से इस तरह के पिन को लगा सकते हैं। दोस्तों ये पिन आसानी से नहीं मिलते हैं, अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप चाहें तो अपने प्रॉप का जो वायर है उसको आगे से काट के अंदर इसको सीधे
अपने प्रॉप को घुसा सकते हैं और यहाँ पे सोल्डर कर सकते हैं इस पॉइंट पे। तो चलिए दोस्तों, इस डिजिटल मल्टीमीटर का फॉल्ट हमें यहाँ पे नज़र आ चुका है, तो इसको हम रिपेयर कर लेते हैं। और इसके साथ आपको मैं इसमें और भी क्या फॉल्ट आ सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो दोस्तों रोटरी स्विच के पत्तियाँ हैं, ये कॉपर की रहती हैं, इसमें लगभग 6 पत्तियाँ दी गई हैं। तो ये अगर ज़्यादा घिस जाए या बीच से टूट जाए तो दोस्तों आपका जो रोटरी स्विच है वो काम नहीं करेगा। रोटरी स्विच पे जैसे ही आप रेंज सिलेक्ट करेंगे तो या तो इसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा दिखाएगा या दिखाएगा ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह का फॉल्ट इसमें आता है दोस्तों। तो इन पत्तियों को आप देख सकते हैं। तो ये हमने दोस्तों इसके पिन को सोल्डर कर लिया है, क्योंकि पुराना पिन हमें किसी भी मल्टीमीटर में सेम टाइप का नहीं मिल पाया, तो हमने इसको सोल्डर कर दिया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वायर को, जो प्रॉप वाली वायर है, उसको सीधे अंदर घुसा के सोल्डर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ये जो सामने का भाग, इसको काट के अंदर से वायर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों रोटरी स्विच से बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। रोटरी स्विच की जो पत्तियां हैं वो अक्सर ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से अगर आप घुमाओगे तो ये ख़राब हो जाती हैं। और इस रोटरी स्विच के नीचे में दो स्प्रिंग लगे होते हैं और दो बॉल्स लगे होते हैं, जिनको हम छर्रे भी कहते हैं, छोटे छोटे लगे होते हैं ये। इस तरह से अगर ये यहाँ से फिट करते हुए या खोलते वक्त ये गुम जाए तो आपका मल्टीमीटर काम नहीं करेगा। तो ये देखिए, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल फ्रेश हैं, सही हैं। तो हम इसको इस तरह से लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग और ये जो छर्रे दिए गए हैं बॉल्स, इसको लगाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो रोटरी स्विच जो है वो काम नहीं करेगा। इस तरह से ये स्प्रिंग इस जगह पे फिट होगा, दो स्प्रिंग यहाँ पे होते हैं, और ये जो बॉल्स हैं इनको इसके अंदर में डालना है, एक एक स्प्रिंग के अंदर में, तब ये रोटरी स्विच हमारा काम करेगा। तो इस मल्टीमीटर में ज़्यादातर यही फॉल्ट आता है, इसमें इसका जो प्रॉब वो अक्सर ख़राब हो जाता है, और इस तरह की ये जो पिनें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा फॉल्ट दोस्तों इसका रोटरी स्विच के कारण बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, और इसमें बैटरी में फॉल्ट आता है। बैटरी ख़राब रहेगा तो आपका डिस्प्ले ठीक तरह से दिखाई नहीं देगा, कंटिन्यूटी आपका ठीक तरह से नहीं काम करेगा, और जो वैल्यू है वो सही नहीं दिखाएगा। बहुत तरह के इसमें फॉल्ट आ सकते हैं, और आपका जो बजर है वो कंटिन्यूटी की रेंज में ठीक तरह से नहीं बजेगा, कम बजेगा। तो इतने सारे फॉल्ट इसमें आते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर की प्रॉप से रिलेटेड और बैटरी से रिलेटेड और रोटरी स्विच से। तो हमने इस डिजिटल मल्टीमीटर को वापस फिट कर लिया है दोस्तों, सारे स्क्रूज लगा दिए हैं। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर की प्रॉप लगा देते हैं, कॉमन पे ब्लैक वाला और ये जो है रेड वाला, वी ओम्स और एम ए जो लिखा है वहाँ पे रखना है रेंज को। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी की रेंज पे लगाया है, तो यहाँ पे बजर बज रहा है, और हम 600 वोल्ट एसी की रेंज पे रखते हैं, और हम एसी टेस्ट करते हैं तो 210 वोल्ट एसी शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो ठीक हो गया है। अगर इस तरह के कोई भी फॉल्ट आते हैं तो आप आसानी से डिजिटल मल्टीमीटर को रिपेयर कर सकते हैं। इनके अलावा और कोई भी फॉल्ट आते हैं तो आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, और हम डीसी के रेंज पे लगा के ये बैटरी को टेस्ट करते हैं। 1.6 वोल्ट यहाँ पे बैटरी में दिखा रहा है दोस्तों। मल्टीमीटर से रिलेटेड इसमें आपको कोई भी और फॉल्ट आते हैं या समझ में नहीं आ रहा है कोई फॉल्ट अगर आ गया है तो कैसे रिपेयर करना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच जाए।